जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में करेंगे, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में, ठीक है ना। मेडिवियल हिस्ट्री में दिल्ली सुल्तान्स के देखेंगे कि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी। उससे पहले हम एक बार पीछे का देखते रिवाइज करते जो हमने किया था उस लास्ट वीडियो में। हमने किया था कावेरी रिवर के बारे में, ठीक है जी, कि काफ़ी प्रॉस्परस एरिया था वो, क्योंकि जो रिवर का एरिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी थी और वो ट्रेड के तौर पे यूज़ किया जाता था। तो काफ़ी जो वहाँ पे किंगडम्स थी वो काफ़ी पावरफुल किंगडम्स थी। और हमने देखा था इंस्क्रिप्शंस, वर्किंग ऑफ अ सवा अकॉर्डिंग टू द उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये इंस्क्रिप्शन थी वहाँ पे, उसके रूल्स लिखे हुए थे। और हमने देखा था टाइप्स ऑफ लैंड, वेलन वेगाई, ब्रह्मदया ब्राह्मिन्स को दी जाती थी, शाला बोगा पाठशाला से आ रहा है, पाठशाला उनको दी गई थी स्कूल्स को, वेलन बगी नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स की थी, ठीक है जी। और हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन, देखा था एम्पायर्स का, साउथ इंडिया में देखा था मोस्टली हमने, ठीक है ना, चोलाज का, पांड्यास का। तो उनके देखे थे जो लैंड ऑनर्स थे, उन्होंने अपने आपको टाइटल्स दे रखे थे, मोविंदाल वेलम अवेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स जो आर, तो ये टाइटल्स देख रखे थे। तो ये हमने सब किया था, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में करेंगे दिल्ली सुल्तनत के बारे में, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स, द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम। अब कावेरी डेल्टा था, हमने अभी अभी भी पढ़ा था, अभी भी रिवाइज किया था, जो कावेरी डेल्टा था वो काफ़ी बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, लार्ज किंगडम का सेंटर था, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया था वो काफ़ी प्रॉस्परस एरिया था, रिवर के कारण, ट्रेड के कारण वो काफ़ी जो पावर किंगडम्स थी वो काफ़ी पावरफुल थी। तो तब तक हमने देखा था कि जो दिल्ली था, दिल्ली का कहीं भी कोई भी नाम नहीं आया गया था किसी भी किंगडम में, क्योंकि ना तो दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी थी उस टाइम पे, ये 12th सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी बनी है, ठीक है ना। तो दिस वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। फर्स्टली दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत्स हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, आल्सो रेफर्ड टू एज चामानाज ऑफ अजमेर। सो जैसा हमने देखा कि चौहान्स, पृथ्वीराज वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ दिस क्लैन चौहान्स, तो पृथ्वीराज चौहान भी इसी क्लैन के थे। मैनी रिच जैनस मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और वहाँ पे क्वाइंस जो थे वो बनते थे, क्वाइंस वर मिंटेड हेयर कॉल्ड दहलीवाल, दहलीवाल बोलते थे क्वाइंस को, मिंटेड ऑफ क्वाइंस वर नोन एज दहलीवाल, हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और उनकी सर्कुलेशन काफ़ी थी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इंटू अ कैपिटल डेट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कैपिटल हुई थी जब फाउंडेशन हुई थी दिल्ली सल्तनत की इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़, काफ़ी सिटीज़ भी बनाई थी जिसे हम दिल्ली के तौर पे जानते हैं, जैसे कि फिरोजाबाद, तुगलकबाद, जहापना, ठीक है ना, ये काफ़ी सिटीज़ थी, आदिलाबाद, तो जिसे हम दिल्ली के तौर पे जानते हैं अभी। अब आगे चलते हैं, रूलर्स देखते हैं दिल्ली के। तो सबसे पहले हमने देखा कि दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था, तोमाराज, ठीक है ना, तोमाराज ने, वो राजपूत डायनेस्टी के थे। उनके बाद आए थे अनंगापाला, फिर आए थे चौहान्स, फिर आए थे पृथ्वीराज चौहान। जो चौहान्स हैं इन्हें चामानास भी बोलते हैं, चौहान्स के ही थे। इनका रीजन देखिए 1165 टू 1192 है, और पृथ्वीराज चौहान का इसी के बीच में है, तो वो इसी के थे चौहान्स के, चामानास भी बोलते थे इनको। फिर आए थे उनके बाद तुर्किश रूलर्स, जिन्हें हम जानते हैं स्लेव्स के तौर पे, स्लेव बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। उनका फाउंडर कौन था, कौन थे वो, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद आए थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, फिर आई थी रज़िया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें डीथ्रोन कर दिया गया था, थ्रोन से उतार दिया गया था 1240 में, क्योंकि बोला गया था कि वो एक लेडी थी, ठीक है ना, तो उनके उनसे दरबार वाले खुश थे, तो इसलिए उन्हें उतार दिया गया था। इसकी काफ़ी स्टोरी है, उनके हस्बैंड भी थे, फिर उनको मार भी दिया गया था, फिर उन्हें आगे ऐसे शादी की थी, बट हमें उस चीज़ की इतना है नहीं क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है यार। अगर हम एग्ज़ाम्स के हिसाब से करेंगे तो हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि स्लेव डायनेस्टी थी, और इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे गाइसुद्दीन बलबन, जो रजिया के बाद थे। इन्होंने ईस्ट की तरफ भी काफ़ी एक्सपेंड किया था, बड़े थे, और साउथ की तरफ भी इन्होंने अपनी किंगडम काफ़ी फैला दी थी, काफ़ी फैलाई थी, और वेस्ट की तरफ भी, ईस्ट की तरफ भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे गाइसुद्दीन बलबन। अब इनके बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर थे, फिर आए थे अलाउद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी इनके इम्पोर्टेंट रूलर थे, क्योंकि इनके टाइम पे मंगोल्स ने इन्वेड किया था इंडिया में, तो इन्होंने उन्हें हरा दिया था। और एक तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे भी मंगोल्स ने इन्वेड किया था। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, पहले हमने किया था गयासुद्दीन बलबन, अब तुगलक में भी गयासुद्दीन तुगलक आएंगे, ठीक है। नाम सेम है, पजल नहीं होना। वहाँ पे बलबन इंपॉर्टेंट रूलर थे, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे, और इनके रूलर्स आगे कौन थे, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन्हें मैड किंग भी बोला जाता है इनमें से तुगलक को, क्योंकि इन्होंने कैपिटल चेंज की थी अपनी। और सैयद डायनेस्टी थी खिजर खान लोधी आई के बहलोल लोधी। अब आगे चलते हैं जी, फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। यहाँ पे एक वर्ड है तारिक और तवारिक, तारिक सिंगुलर, तवारिक प्लूरल, ये पर्शियन वर्ड है, ठीक है ना, रिटन इन पर्शियन में लिखा गया है। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। ये तवारिक होते कौन थे, ये ऑथर्स, जो ऑथर्स होते थे तवारिक के, तवारिक लिखते थे जो, उसके ऑनर्स ऑथर्स होते थे, वो लर्न्ड मैन होते थे काफ़ी, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पोएट होते थे, लर्न पोएट एंड कोर्टियर्स। वो क्या करते थे, एडवाइस करते थे रूलर्स को ऑन गवर्नेंस एंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, तो एडवाइस करते थे वो रूलर्स को, जो ऑथर्स होते थे तवारिक के। अब आगे बढ़ते हैं, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया, जो हमने देखा भाई स्लेव डायनेस्टी की, ये तुर्किश डायनेस्टी थी, उसकी रूलर थी रजिया, ठीक है ना। जब ये सुल्तान बनी थी तब ये क्रॉनिकर थे, क्रॉनिकर मिनाजे सिराज, उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी पावरफुल और मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, बट कंफर्टेबल नहीं था माना गया उन्हें, हैविंग मानते थे वो कंफर्टेबल नहीं था उनके लिए ये बात कि एक और क्वीन उनकी उनकी रूलर हो, ठीक है ना। तो ना तो उनके नोबल्स उनसे खुश थे, एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, ताकि वो इंडिपेंडेंटली रूल करे वो खुश नहीं थे, तो उन्हें रिमूव कर दिया गया था थ्रोन से इन 1240। ये ईयर वगैरह अपने यूपीएससी में इतना खास नहीं पूछते, वो रूलर पूछेंगे कि ये जैसे कौन थे, तो ये स्लेव डायनेस्टी की थी रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना का मिनाजे सिराज का क्या विचार था, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, तो जब उनका भगवान की अकाउंट में, इन द गॉड्स क्रिएशन, हर अकाउंट उसके अंडर फॉल नहीं करता, तो हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, तो क्वालिटीज़ कहाँ से थी उसमें। तो ये मिनाजे सिराज के विचार थे रजिया के बारे में। अब आगे चलते हैं जी, द स्टेट वॉज ऑल्सो चैलेंज बाई मंगोल। अब आगे जाके मंगोल्स के द्वारा चैलेंज किया गया था स्टेट्स को, इन्वेजन फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड बाय द गवर्नर्स हु वेल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। जो गवर्नर्स होते थे, जो अपॉइंट किए गए होते थे, जब ये सुल्तान किंग वीक होते तब ये अटैक करते थे, द सुल्तान बियरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, और वो चैलेंज से काफ़ी बियरली सर्वाइव करते थे। इट्स एक्सपेंशन अकर्ड ड्यूरिंग, और जो ये एक्सपेंशन था ये किस टाइम पे ज़्यादा बढ़ा, अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन, बलबन के टाइम पे था, जो स्लेव किंग थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेगन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर, तो इंटरनल फ्रंटियर उन्होंने इस चीज़ से क्या किया था बचने के लिए, तो उन्होंने कंपेगन चलाया था फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था ये गंगा यमुना दोआब में, ठीक है, हंटर गैदरर और पेस्ट्रोलिस्ट से, जो उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, और लैंड्स पीजेंट्स को दे दी गई थी फॉर एग्रीकल्चर यूज़, और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया था, नए किले बने थे, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, ट्रेड रूट को प्रमोट करने के लिए वो बनाए गए थे। अब उसके बाद देखते हैं जी आगे, द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, मैनी मिलिट्री एक्सपेंडिशन इन टू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब साउथ में भी इन्होंने काफ़ी एक्सपेंडिशन किया था मिलिट्री का, ठीक है ना, एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। और उनके कंपेरिजन में क्या था, सुल्तनत आर्मीज ने एलिफेंट्स कैप्चर किए थे, हॉर्सेस और स्लेव्स, एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल, और काफ़ी प्रीशियस मेटल भी वहाँ से जब्त किया था, कब्जा किया था उन पर, एलिफेंट्स को भी कैप्चर किया था। अब आगे चलते हैं, ये देखिए ये दिल्ली सल्तनत है, ये नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो एक्सपेंडिशन थे, ठीक है ना, गुजरात की तरफ, बंगाल से नीचे वारानंगल, तो ये नीचे तक थे इनके, थंजावीर तक, ठीक है ना, थंजावीर तक, वीर तक, ये मस्जिद बनाई गई है कुवात अल असली इस्लाम, ठीक है ना, ये दिल्ली में है। द मीनार वाज बिल्ट बाय, ये बनाई किसके द्वारा गई थी, एनलार्ज बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और मीनार किसके द्वारा बिल्ट कराई गई थी, तीन सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं,
मस्जिद क्या थी जहाँ पे ये जो मुगल्स होते थे जहाँ पे ये प्रेयर करते थे, ठीक है ना, फ्राइडे प्रेयर होती थी। ये एग्ज़ाम में ये नहीं है यार, ये पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क्यूज इन द सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। तो इससे वो क्लेम करते थे कि वो प्रोटेक्टर्स हैं इस्लाम के और मुस्लिम्स के। ये मौत की मस्जिद है, ये सिकंदर लोदी के द्वारा बनाई गई, सिकंदर लोदी के मिनिस्टर के द्वारा बनाई गई मस्जिद है ये। अब आगे चलते हैं। मस्जिदों के नाम नहीं आपसे पूछेंगे यार, बस हमने थोड़ा सा मुगल एरा कर रहे थे तो थोड़ा सा हमने देखा था कि मस्जिद्स वगैरह क्या होती हैं। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीस एंड तुगलक्स। तो यार जो ये खिलजी और तुगलक थे, इनके टाइम पे मंगोल इन्वेशन हुआ था, ठीक है ना। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो ये किंगडम थी काफ़ी फैल चुकी थी, तो इसके लिए रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे, ठीक है ना। तो रैदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंड चिफ्टियंस एज गवर्नर, अब जो जमीनों के वो होते थे सरदार मानते थे जिसको एरिए के, तो उन्होंने द अर्ली दिल्ली सल्तनत, तो उन्होंने स्पेशली जैसे इल्तुतमिश थे उन्होंने किस चीज़ का फेवर किया था, स्लेव्स का, जिन्हें वो मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज करते थे और उन्हें बोलते थे बंदागन। इन पर्शियन में बंदागन बोलते थे, बंदागन स्लेव्स को बोलते थे। तो उन्होंने जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे और जो जमींदार होते थे लैंडेड चीफ्टियंस, तो उन्हें गवर्नर बनाने की बजाय उन्होंने जो अपनी आर्मी के लिए स्लेव्स खरीदे हुए थे, स्पेशल स्लेव्स, उन्हें वो केयरफुली ट्रेन करते थे, ठीक है ना, और उन्हें इंपॉर्टेंट पोलिटिकल ऑफिसेस दे देते थे किंगडम्स में। तो सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। अब जैसे हमने देखा था कि जब सुल्तान वीक होता था तो गवर्नर्स अटैक कर देते थे, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने जो उनके स्लेव्स होते थे उन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी थी। जैसे सेलेब डायनेस्टी में देखा था कि आगे के जो स्लेव्स थे वही किंग बने थे। अब आगे चलते हैं जी। स्लेव्स रैदर देन सन्स, ये छोड़िए, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। द खिलजीस एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ बंदागन एंड आल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पोलिटिकल पोजिशंस। तो इन्होंने भी जो ये बंदागंज होते थे, स्लेव्स थे, इन्हें इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है ना। देवर अपॉइंटेड एज जर्नल एंड गवर्नर्स, हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर, जो उनके क्लाइंट्स होते थे और स्लेव्स होते थे वो काफ़ी लॉयल होते थे अपने मास्टर्स के लिए, ठीक है ना, बट नॉट टू देयर हेड्स, बट अपने वारसों के लिए नहीं, अपने मास्टर्स के लिए वो काफ़ी लॉयल होते थे। एंड द अथर ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर। जो पर्शियन तवारीख के ऑथर्स थे उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया था कि दिल्ली सुल्तान ने लो और बेस बॉर्न जो काफ़ी नीचे माने जाते थे उनको हाई ऑफिसर्स पे अपॉइंट कर रखा था, वो इस चीज़ को गलत मानते थे। अब आगे देखते हैं। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्तस, जैसे सुल्तान्स होते थे पहले, द खिलजियन तुगलक मोनार्च वर अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एंड गवर्नर और टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइजेस। तो जो उनके मिलिट्री कमांडर्स होते थे तो उनको वो जब वो उनको प्रोवाइड करवाते थे सर्विसेज तो उन्हें वो लैंड्स दे देते थे और उन लैंड्स को बोलते थे इक्ता, एंड द होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार, और जो उस लैंड को होल्ड करता था उसको बोलते थे इक्तादार। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यार भाई, देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, अभी आपकी स्पेक्ट्रम से नहीं सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो ये टर्म्स है इक्ता, ऐसी टर्म्स पूछ रहे हैं अभी, वो टारगेट ही इनको कर रहे हैं हिस्ट्री में। तो ये इक्ता क्या है, ये लैंड्स को बोलते हैं इक्ता, और जो लैंड को होल्ड करता है उसको बोलते हैं इक्तादार। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, और जो वो मुक्तिस होते थे जो लैंड को करते थे होल्ड करते थे उनको इक्तादार और मुक्तिस बोलते थे। मुक्तिस, तो मुक्तिस का काम क्या होता था, वो मिलिट्री कंपेगन्स लाते थे, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते थे इन देयर इक्ता अपने एरिया में, और मुक्तिस और जो उन्हें जो लैंड मिली होती थी इक्ता वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ऑफ देयर असाइजनमेंट एज सैलरी, और सैलरी के तौर पे वो कलेक्ट करते थे, और अपने सोल्जर को भी वो इसी में से ही पेड करते थे। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस। अब बाद में जो ये अपने रूलर्स थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, तो उन्होंने आगे अकाउंटेंट्स रखे थे जो चेक करते थे कि कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है इन मुक्तिस के द्वारा, जो इन्हें लैंड असाइन हुई थी, मिली थी इक्ता, इक्ता मिली थी इनको, इक्तादार को और मुक्तिस को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द समानता एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, ठीक है। अब कुछ जो थे, एज द दिल्ली सल्तनत ब्राउट द हिंटर लैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंड चिफ्टियंस
तो उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के थे, उन्होंने जो अरिस्टोक्रेट्स थे, समानता शब्द नहीं था मैंने पीछे यूज़ किया, और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन्हें उन्होंने अपनी अथॉरिटी मनवाई थी कि आप हमारे अंडर आइए, अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेंट रेवेन्यू अंडर इट्स ऑन कंट्रोल। तो पहले जो राइट होता था इनको, लोकल चिफ्टियंस को, ठीक है ना, वो टैक्सेस भी लेते थे उस लैंड से, वो सारे उन्होंने छीन लिए थे, खुद टैक्स कलेक्ट करते थे, और ये जो लोकल चिफ्टियंस थे, सरदार थे कबीलों को, उनको भी टैक्स पे करने पड़ते थे। पहले वो खुद कलेक्ट करते थे, फिर आगे जाके उनको भी पे करने पड़े। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टियंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सुल्तान एज रेवेन्यू कलेक्टर। कुछ को उन्होंने रख लिया था काम पे, जो टैक्स कलेक्ट करके उनको देते थे, ठीक है ना। तो टैक्सेस थे थ्री टाइप्स के, ये भाई इतना खास नहीं है, बट ये टैक्सेस याद कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बोला था कि वेती टैक्स था, भागा था, तो ऐसे एक टैक्सेस और था कल्टिवेशन कार्ड। थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन कल्टिवेशन, एक टैक्स था कल्टिवेशन पे, उसका नाम था खाराज। खाराज एंड एंड अमाउंटिंग टू, वो 50% पीजेंट की प्रोडक्शन ले लेते थे खाराज टैक्स में, ठीक है ना, और कैटल पे भी था, हाउसेस पे भी था। ये खाराज टैक्स है, ये कल्टिवेशन पे होता था। अब आगे देखते हैं जी, लोकल चिफ्टियंस एस्टेब्लिश देयर रूल इन रीजन। सम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि यार वहाँ पे जंगल होता था, कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पे रूल करते थे, फिर वो जो ये होते थे लोकल चिफ्टेंस, वो फिर अपना एस्टेब्लिश कर लेते थे रूल, तो वहाँ पे पक्का रूल नहीं थे वो कर पा रहे उस एरिया में, ठीक है ना। इवन बटूटा अ 14th सेंचुरी ट्रेवलर फ्रॉम मरक्को, ये याद कर लीजिएगा कि जो इवन बटूटा था, ये काफ़ी फेमस ट्रैवलर था, मोरक्को से आया था, ठीक है ना। फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन द माउंटेन्स इन रॉकी, उसने बताया था कि जो चिफ्टेंस थे ये उस टाइम पे छिप जाते थे, जब इन पे ये अटैक करते थे माउंटेन्स में, तो बैम्बू ट्रीज में रुक जाते थे, बैम्बूस होलों में छिप जाते थे, वो ऐसे होते थे बैम्बू होल्स कि उसको आग भी लगा देते थे तब भी वो जलता नहीं था, तब भी वो बच जाते थे, ठीक है ना। तो वो फॉरेस्ट में छिप जाते थे ऐसे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, मंगोल्स। अब चंगेज़ खान भी बोलते हैं हम, गेंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रैक्स उमिया टैक्सोनिया इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। जब चंगेज़ खान ने ईरान में वो किया था, इन्वेड किया था, तब दिल्ली सल्तनत को भी पता था कि शायद उन्हें भी ये चीज़ ऑनस्लॉट फेस करनी पड़े। तो मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो जो मंगोल्स के अटैक थे वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे काफ़ी लगा था कि बढ़ेंगे, और इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो दोनों को फिर लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनानी पड़ी थी, ठीक है ना, ताकि ये उनके लिए काफ़ी बड़ा ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी था, बट फिर भी उनको ये करनी पड़ी थी ताकि वो इससे डील कर सकें चंगेज़ खान से, जो मंगोल से इन्वेड कर रहा था। तो उन्हें काफ़ी तगड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वो करनी पड़ी थी वहाँ पे अपने दिल्ली में। तो देखते हैं अभी अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 2 बार ही दिल्ली पे अटैक हुआ, और दोनों बार खिलजी जीत गए थे मंगोल से। उन्होंने काफ़ी तगड़ी आर्मी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रेज की थी, और उन्होंने गैरिसन टाउन, गैरिसन मतलब किले टाइप वो तैयार कर दिए थे, जहाँ पे उनकी सोल्जर्स थे, ठीक है ना। और सोल्जर हैज़ टू बी फिट, और उनको खिलाने के लिए जो प्रोड्यूस होता था टैक्स पे, वो 50% कर दिया था उन्होंने उस एरिया पे टैक्स, ताकि वो अपने सोल्जर्स को खिला सकें। और सोल्जर्स हैड टू बी पेड, और जो सोल्जर्स थे उन्हें पे भी करना पड़ता था। तो अलाउद्दीन ने क्या चूज़ किया, चूज़ टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रैदर देन इक्तास। तो सैलरीज को उन्होंने कैश में पे किया था, तो जो सोल्जर थे वो अपनी मर्जी का सामान सप्लाईज खरीद सकते थे मर्चेंट से, बट एक ये भी डर था कि रेट काफ़ी बढ़ा दिए थे उन्होंने, तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए जो रेट्स थे, अलाउद्दीन ने एक वो लगा दिया था, रूल कर दिया था कि ना ही कोई रूलर इससे ज़्यादा रेट पे कुछ बेचेगा, अगर बेचेगा तो उस पर पनिशमेंट होगी। इसके उल्टा मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को ही खाली करवा दिया था गैरिसन टाउन बनाने की जगह, और लोगों को एक नई कैपिटल बना दी थी दौलताबाद, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो जो प्रोड्यूस था उसी एरिया से कलेक्ट करते थे आर्मी को फीड करने के लिए, बट इतनी बड़ी आर्मी को खिलाने के लिए था नहीं, तो उसने और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिससे वहाँ पर काल की स्थिति आ गई थी, काल पड़ गया था। तो इसलिए इनको मोहम्मद तुगलक को थोड़ा मैड किंग भी बोला जाता है। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फेलियर था, और अलाउद्दीन का अच्छा था। इतना ही इनके बारे में, ज़्यादा नहीं करेंगे, वह आगे बढ़ते हैं। इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर, कई बार हम देखते हैं कि मंगोल टेरिटरी को भी इसने वो किया था तुगलक के फेलियर में, ये उधर कब्जा करने चला गया था, ठीक है ना, तो मंगोल की तरफ, क्योंकि इसे लगा था कि मंगोल को हमने हरा दिया, तो ये मंगोल ईरान की तरफ ही अटैक करने चला गया था अपनी आर्मी के साथ। द सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी दैट आफ्टर द तुगलक, अब सियाद डायनेस्टी आई थी और लोधी डायनेस्टी आई थी दिल्ली और आगरा में,
उनके बाद तुगलक्स के बाद शेरशाह सूरी आया था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था, एज अ मैनेजर फ्रॉम स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफिटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। जो शेरशाह सूरी था इसने हुमायूं को हराया था, तब इसने रूल किया था दिल्ली को और अपनी डिनेस्टी चलाई थी। अल्थो सूरी डिनेस्टी रूल फॉर, और वो जो सूरी डिनेस्टी थी उसने सिर्फ 15 साल के लिए ही रूल किया था। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन डेट बोरोड, और अलाउद्दीन खिलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको देख के इसने अपना सेटअप किया था और थोड़ा उसको और एफिशिएंट बनाया था। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल। फिर आगे जाके अकबर ने शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया और काफ़ी तगड़ा मुगल एम्पायर बनाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आज हमने थोड़े मुगल रूलर्स देखेंगे, ये देखे थे मैंने दिल्ली सल्तनत देखी थी, तुर्किश देखी थी, लोधी देखी थी और ये डायनेस्टीज देखी थी। बाकी कल की वीडियो में हम मुगल एरा करेंगे, मुगल एम्पायर के बारे में करेंगे कि मुगल की एम्परर की कौन सा वो फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसने मुगल एरा स्टार्ट किया था इंडिया में, वो सब देखेंगे वो कहाँ से आए थे, कल की वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।